खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर पशु चोर सक्रिय हो गए हैं। रीवा जिले में विगत 10 माह में लगभग एक दर्जन से अधिक बकरियों की चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बीती रात सोहागी और सिमरिया थाना क्षेत्र से बकरियां चोरी होने की घटनाएं घटित हुई हैं। घटना की जानकारी सुबह हुई तो पीड़ितों के होश उड़ गए। पशुपालकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ से बदमाश दूर हैं। पहली घटना सोहागी थाना क्षेत्र के बहराइचा की बताई जाती है, जहां पशुपालक तेरसी बसोर के घर से एक दर्जन बकरियां चोरी हो गई। परिवार घर के अंदर सोता रहा और उसको कानों कान खबर नहीं लगी। बदमाश लाखों रुपए कीमती बकरियां चोरी कर रफ चक्कर हो गए। घटना की जानकारी सुबह हुई तो भागता हुआ परिवार थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराया है। सोनौरी पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। वहीं दूसरी घटना सिमरिया थाना क्षेत्र में घटित हुई है, जहां पशुपालक राम कुशल यादव निवासी पड़रिया राजगढ़ के घर बधी लगभग 14 बकरियां अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। रात्रि में ही पीड़ित परिवार की नींद खुली तो आसपास तलाश किया, लेकिन जब कहीं जानवरों का पता नहीं चला तो थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि रीवा जिले में बकरी चोर गिरोह सक्रिय है, जो पलक झपकते ही पशुपालकों के जानवरों को चोरी कर रफ चक्कर हो जाते हैं। बताया तो यह भी जाता है कि रीवा जिले से नागपुर और इलाहाबाद पशु तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है, जहां से पशु चोरी कर बाहर भेजे जाते हैं। रीवा शहर के अंदर से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को भारी संख्या में जानवरों को ट्रकों में लोड कर कटने के लिए बाहर भेजा जाता है। अगर पुलिस इन कारोबारियों से कड़ाई से पूछताछ करे तो जिले में हो रहे जानवरों की चोरी पर रोक लगाई जा सकती है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया